तो हैंडलिंग है ना काफ़ी सही है इस बाइक का, और मतलब देखने में काफ़ी हैवी दिखता है और फील भी वैसे ही लग रहा है चलाने। थोड़ा भगाते हैं ना जगह। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी काफी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रॉक्स क्रिएशंस वंस अगेन। दोस्तों हमारे साथ आज के इस वीडियो में देख सकते हो खूबसूरत सा बाइक जिसका नाम है मीटियोर 350। तो जैद भाई का ये बाइक है और जैद भाई से हम लोग जानेंगे कि क्या इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, इसके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, सारा चीज पे हम लोग डिटेल आज बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट कर देना बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स की। तो आप क्या लुक के कारण लिए थे कि कुछ और भी कुछ सोचे थे इसके पीछे? नहीं, बाइक तो हम दूसरा लेने गए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बाइक देखने के बाद मतलब हमको उतना कोई पसंद नहीं आ रहा था। हाँ। तो फिर ये बाइक हम ले लिए। ये बाइक अब ले ली, मतलब कि लुक आपको अच्छा लगा? ये बाइक लुक अच्छा है, चलाने में भी अच्छा लगता है, सारा कुछ इसका अच्छा है। चलिए सही, और सही में पूरा बहुत ज्यादा बल्की लुक है इसका, बल्की मतलब बहुत ज्यादा है ना, फैट बाइक, थोड़ा हार्ले वाला फील आता है, हार्ले वाला फील आता है। और जो हैंडलिंग पोजीशन है वो क्रूज बाइक वाला। हाँ, क्रूज बाइक ठीक है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन क्रूज बाइक में ही आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा। हाँ, आप अगर लंबा चलिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इतना लंबा चल चुके हैं। तो मैक्सिमम कितना दूर तक आता नहीं है? राइड कर चुके हैं इसको अभी एक बार में मतलब 50 प्लस भी नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, ज्यादा बाहर नहीं गए हैं। फिर भी कुछ बैठने में सिटिंग पोजीशन में कोई भी दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे माइलेज का इतना चला के हम बोल सकते हैं कि आप 100 प्लस या 200 प्लस चला लीजिएगा तो भी आपको पता नहीं। चलिए सही है। तो माइलेज का क्या क्या है? माइलेज कंपनी क्लेम करता है 30 का। अच्छा अच्छा। लेकिन हमको नहीं लगता है 30 होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें 25-26 आ जाता है। तो मतलब ये आपका सिटी वाला बता रहे हैं कि हाईवे वाला बता रहे हैं? नहीं, सिटी वाला बता रहे हैं। हाईवे में थोड़ा ज्यादा देगा लेकिन सिटी में आपको रुकना पड़ता है बहुत जगह, इसीलिए ट्रैफिक है, आपको रुकना तो पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये है ना। हाँ। कि आपका इसका इंजन हीट करता है, काफी बड़ा इंजन है, देख सकते हो 350 हीट करता है, और अगर आप कहीं रुक जा रहे हैं ट्रैफिक में तो आपको दिक्कत करेगा, आपको थोड़ा इरिटेशन फील होगा कि ज्यादा हीट आ रहा है इंजन से। अच्छा, वैसे ट्रैफिक में रुकने में हल्का सा वेट तो थोड़ा कुछ लगता होगा आपको फील? नहीं नहीं, वैसा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा लो में है इसका सीट। हाँ, हाँ, हाँ। तो किसी के लिए भी 5-5-5-6 के लिए भी ठीक है गाड़ी, काफी बड़ा मतलब कि आपका सीट का जो है ना लेंथ जो बोल सकते हैं, और साथ में वाइड वाइड है थोड़ा। ये आपने मॉडिफाइड लेके लिया? आफ्टर मार्केट लेग गार्ड है बस। अच्छा, और वैसा कुछ लगा हुआ नहीं। तो क्या प्राइस पड़ गया इसका वैसे? इसका पड़ा था हमको 1850। 1850 पड़ा ना, तो काफी सही लग रहा है। क्या क्या कलर अवेलेबल था इसमें? यहाँ पर बहुत सारा कलर था, थोड़ा सॉफ्ट ग्रीन वाला था। हाँ। रेड था। हाँ। और एक मैट ब्लैक था, एक शाइन ब्लैक था। आपका ग्लॉसी रेड आपने पसंद किया, और ब्लैक और ग्लॉसी रेड काफी सही लग रहा है। हाँ, अच्छा लगता है ना आपको ये? बहुत सही लग रहा है, मतलब दूर से ही मतलब आई कैची कलर ही है। अच्छा, आप इसको स्टार्ट करके आगे बढ़ा रहे तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा है। अच्छा, डिले नहीं करता है, मतलब लगता है देखिए कि भारी होगा, चलाने में दिक्कत होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, चलिए सही है। बाकी स्टैंड में मुझे जैसे कि एक थोड़ा कमी लगा, स्टैंड में कुछ देना चाहिए आपका साइड से, क्योंकि ऐसे स्लिप कर जा रहा था पैर, है कि नहीं? वैसे अब खड़ा बाइक खड़ा करने के बाद तो आराम से लगा लोगे। हाँ। पर बाइक के बैठे बैठे हल्का सा थोड़ा स्लिप करता है। हाँ। कि मीटर कंसोल आपका पूरा डिजिटल नहीं मिलता है, आपका डिजिटल प्लस एनालॉग मिलता है साथ में, और जैसे जितना भी लाइट से आपका सब एनालॉग वो लाइट है ना, नॉर्मल लाइट है। हाँ, हैलोजन है हेडलाइट में। हाँ। और यहाँ भी छोटा वाला सब हैलोजन। हाँ, हैलोजन। हाँ, तो वो तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करा रहे हैं तो फिर बुलेट नहीं लगेगा। हाँ। यही है वो बुलेट है। अच्छा अच्छा, कुछ चेंज नहीं कराना है। सही बात है। अगर आप एलईडी लगाना चाहते हैं आगे हेडलाइट में तो लगा सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे में ठीक है। सही बात है। मीटर कंसोल आपका हल्का सा साइड में दिया है, मिडिल में दिया नहीं, इसका डिसएडवांटेज है बोल सकते हैं इसको। अच्छा, बीच में होता ना तो अच्छा लगता। अच्छा लगता, लेकिन साइड में दिया है तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ से वीडियो भी ले रहे हैं ना तो थोड़ा अलग लगता है। हाँ। और वैसे साथ में ABS आप लोगों को मिल जाता है आगे पीछे दोनों में ना? दोनों तो काफी सही है। वैसे ब्रेकिंग कैसा है इस बाइक का? ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, अगर आप चल रहे हैं गाड़ी में और अगर अचानक कहीं जर्क है ना तो छोड़ देगा खुद ब खुद, ABS छोड़ देगा, मतलब गिरने नहीं देता है। अच्छा, अब गिरिएगा नहीं, स्केट मतलब नहीं होने देगा, स्केट नहीं होगा। प्लस यहाँ पर ये आपका ग्रैब रील है जिसमें आप पकड़ करके अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आता है बैकरेस्ट, बैकरेस्ट होना चाहिए। अगर बैकरेस्ट लगवाना है आपको लगवा सकते हैं, लेकिन बैकरेस्ट लगवाएगा तो गाड़ी का फिर लुक खराब होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पीछे का उड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। हल्का सा डिजाइन जो है कैफे थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है, स्लोपिंग में लुक अच्छा आता है इसका। हाँ, लेकिन तो यहाँ पर एक दिक्कत है, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसको। हाँ। यहाँ पर लेडीज नहीं बैठ सकती है। क्योंकि क्योंकि गाड़ी थोड़ा अचानक थ्रोटल लेते हैं आप। हाँ। थोड़ा सा करता है ना, एक डिमेरिट है गाड़ी का। देखिए ये जो लाइट है ना। हाँ। ये मतलब अच्छा लगता है, लेकिन अगर सीधा वाला लाइट होता ना स्ट्रेट वाला और अच्छा लगता। चलिए, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, रेट्रो लुक दिया गया है इस बाइक को। यहाँ पर ये जो एनालॉग मीटर डिजिटल मीटर साथ में है। हाँ। और यहाँ पर एक और एक है कि गियर का इंडिकेशन दिखाता है। अच्छा, गियर गियर चेंज किया हुआ है वो चीज दिखाता है, टाइम दिखाता है। दोस्तों ये था पूरा इस बाइक का रिव्यू, राइडिंग रिव्यू मैं आप लोगों को चलो दिखा देता हूँ।
देख सकते हो मीटर कंसोल कैसा है आपका, साइड में दिया हुआ है, अभी न्यूट्रल में गाड़ी है और इसका जो है पावर इस तरह से आपका क्लच दबा करके ये अपना हो गया। और इसमें क्या है ना कि आपको पूरा क्लच छोड़ना पड़ेगा तब जाके ये गाड़ी आगे जाता है। और सिटिंग पोस्चर जो है काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल एकदम कह सकते हो, और थोड़ा क्रूज़र वाला फील आपको पूरा तरीका से देगा ये। और यहाँ पर मीटर कंसोल देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा है और डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। और साथ में आपका दिया गया है ABS जो कि काफ़ी सही से काम कर रहा है। और काफ़ी तुरंत ये मतलब कि सर थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना काफ़ी सही है। काफ़ी भीड़ है अभी तो हैंडलिंग है ना काफ़ी सही है इस बाइक का, और मतलब देखने में काफ़ी हैवी दिखता है और फील भी वैसे ही लग रहा है चलाने में, काफ़ी ज़्यादा वाइड आप लोगों को हैंड जो है ना फील होगा। अगर आप लोग नॉर्मल बाइक से अगर स्विच करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को वाइड लगेगा पकड़ने में, पर हैंडलिंग काफ़ी सही है इसका। और जैसे कि रेट्रो लुक दिया गया है और मीटर कंसोल जो पहले मिडिल में होता था अब लेकिन साइड बाय साइड है, तो ये भी सही। और बाकी ये आपका नया नया कुछ कुछ स्विचेस का जो डिज़ाइन है ना काफ़ी अलग दिया गया है इसमें। ये वाला स्विच किस लिए है? ये वाला डिपर है, लोअर है। अच्छा अच्छा, और पास के लिए। तो ये आपका डिपर लोअर और पास के लिए लाइट दिया गया है, बाकी सब बाइक्स में आपके आगे रहता है। अच्छा अच्छा, सबसे जो मुझे खुश कर रहा है ना इस बाइक में इसका जो है हैंडलिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन काफ़ी सही है, मतलब फील ही नहीं हो रहा कि वो इतना हैवी बाइक चला रहे हैं। काफ़ी आरामदायक बाइक है ये, कंफर्ट है। हाँ कंफर्ट है, और आप 100-200 किलोमीटर भी चल लेते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। सही बात है, मतलब झुकने वाला कोई सिस्टम इसमें है नहीं, एकदम नॉर्मल और कैजुअल सिटिंग पोजीशन है। साथ ही इसका जो आपका शॉकर है डुअल शॉकर दिया गया है ना, काफ़ी सही है। तो राइडिंग तो काफ़ी सही लगा, अभी हल्का सा इसका देखा जाएगा टॉर्क थोड़ा भगाते हैं ना जगह, तो यहाँ पर देखता हूँ कितना जाता है इसमें। 160 फोर गियर में है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है इसका और ABS होने से ही फायदा है, मतलब कि चार गियर में ही आप लोगों को 80+ दे देता है, तो पांचवा गियर में भी और बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मैक्स कितना गए हैं इसमें अभी? मैक्स है मतलब 100+ ही है, उससे ज़्यादा अच्छा कहीं बाहर गए ही नहीं है। चलिए सही है, स्ट्रेट रोड मिलेगा तो चल जाएंगे, लेकिन अब स्ट्रेट रोड मिलता नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और भाई का काफ़ी बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने अपना सारा जो है नॉलेज शेयर किया हमारे से। भाई काफ़ी खुश है इसको लेकर के, और कलर का जो है ना भाई ने जो चूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा सही लिया है, क्योंकि ब्लैक और रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस बाइक में। तो ठीक है फिर दोस्तों, यही था आज तक के लिए, और आपको फिर मिलते हैं अपने आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट कर देना बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाले ऐसे फ्यूचर वीडियोज़ मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी जय हिंद जय भारत।